कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्याकांड की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। विरोध प्रदर्शन और न्याय की गुहार के बीच अब एक मामला हरियाणा के रोहतक से आया है। यहां PGIMS के डेंटल कॉलेज में पढ़ रही सेकंड ईयर की छात्रा ने एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर पर उसका अपहरण कर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सुनाई। मेरा नाम प्राची है, मैं BDS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ PGI रोहतक में। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है फैकल्टी से, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर PGMD कर रहे हैं वो। यहाँ से 7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा, इंटरनल शॉर्ट कर दूंगा। पीड़ित छात्रा ने बयान के साथ अपने शरीर पर मारपीट से हुए घाव भी दिखाए। मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मारपीट और अपहरण का मामला दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। कल PGI की एक छात्रा ने, BDS की फर्स्ट ईयर की छात्रा, उसने पुलिस प्रशासन को एक शिकायत दी थी और उस पर हमने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की, जांच पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत अभी हमारे जांच पड़ताल हमारी जारी है। हमने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। कहां से? यहीं पर है, रोहतक शहर से ही। तो अब क्या कार्रवाई चलेगी? अभी उसमें हमारी तफ्तीश जारी है, कुछ काम पेंडिंग है छोटे मोटे। हाँ, आज हम उसको अदालत में पेश करेंगे। देश भर की तरह रोहतक PGIMS के रेजिडेंट डॉक्टर भी कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले का पुरजोर तरीके से विरोध करते दिखे हैं। ऐसे में उनके खुद के कॉलेज में इस तरह की घटना का आना और सबका अब तक इस पर चुप रहना कई सवाल खड़े करता है। कॉलेज में छात्राओं की सेफ्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल मामले में इंतजार आरोपी की गिरफ्तारी का है, जिसके बाद ही इस केस का असली सच सबके सामने आ पाएगा। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।